लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। कोरोना वायरस के संकट से सरकार परेशान, सारे विभाग द्वारा कमिश्नर ऑफिस में हुई बैठक जिसमें डीएम व एसएसपी संग अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। तो दिए थे और जो सैनिटाइजर की कालाबाजारी की शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर नहीं, देखिए ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इसको एसेंशियल कमोडिटी घोषित किया गया। अगर ऐसी कहीं सूचना मिलेगी, लोग बताएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी, और न केवल FIR बल्कि गिरफ्तारी भी की जा सकती है। और एसेंशियल कमोडिटी है तो इसमें NSA तक की भी कार्रवाई की जा सकती है। लोगों से मेरी अपील है कि अगर ऐसी कोई सूचना आती है, लोग कालाबाजारी करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी सूचना 112 नंबर पे दें या लोकल जो मजिस्ट्रेट हैं पुलिस ऑफिसर्स को दें, तो उसमें निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। लोगों के लिए अभी इतने लेवल की सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हुई है कि हमको मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद करने पड़े, तो ऐसा हम मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद नहीं कर रहे हैं। जो चार कैटेगरी मैंने बताई है, 5 हो गई है, बल्कि मॉल, सिनेप्लेक्स जो मल्टीप्लेक्स है हमारे, तीसरा होटल है, जितने भी होटल हैं, छोटे बड़े होटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो IMA के हमारे पदाधिकारी बनाए होंगे, नर्सिंग होम एसोसिएशन है उनसे जुड़े हुए लोग आए होंगे, ये चौथी कैटेगरी। और पांचवी, तो आपको फिर बड़ी सीरियसली आपको चीजें भुगतनी पड़ेंगी, इसलिए ये कोई सामान्य हम रिक्वेस्ट मोड में नहीं है कि आप प्रार्थना करने की आप करिए, ये कंपल्शन है जो आपको करना है, और अगर कोई कंपल्शन के पालन नहीं कर पाएगा तो हमें इंडिविजुअल प्रतिष्ठान के ऊपर भी निर्णय लेना पड़ सकता है। कोई इंडिविजुअल मॉल है, कोई इंडिविजुअल शॉप है, कोई इंडिविजुअल आपका शोरूम है, इंडिविजुअल प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर ये बात नहीं मानेंगे तो फिर हमें कृपया करके ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ा देश है जो जिसकी बहुत बड़ी आबादी चपेट में आ चुकी है और पूरी इकोनॉमी उसकी अब उसको भुगत रही है, हिंदुस्तान में रहना हो जाए, इसके लिए आप सब लोगों को यहाँ बिठाया गया है कि अपने शहर का ध्यान रखें। तो बड़ी सीरियसली सुन लीजिए, आरएम साहब आए हुए हैं यहाँ पे, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके भी CMS आए हुए हैं, हमारे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं, इसके अलावा DIUS BSA आ देता हूँ। सबसे पहले तो डिसइंफेक्शन का कार्य आप लोगों को करना है, आपके प्रोवाइज में डिसइंफेक्शन का प्रॉपरली कार्य जो है वो और आपको इंटेंसिवली फॉलो करवाना है, उसके लिए गाइडलाइन आई है, मैं वो आपको क्लियरली बता देता हूँ। जो रूटीन डिसइंफेक्शन है उसमें हर 6 घंटे में आपको, अगर आपकी दुकान 12 घंटे खुली है तो 6-6 घंटे में 2 बार आप फ्लोर की सफाई करवा लीजिए, आपका हाथ से चलाने वाला स्टिक वाला पोछा को पानी के बकेट रखिए, 1% 2% में 2 बार पोछा लगा लीजिए, बहुत सिंपल सा काम है। हर 3 घंटे में आपको 2% ब्लीचिंग सॉल्यूशन से भी फ्लोर क्लीनिंग करवानी है, तो 3-3 घंटे में 4 बार करनी पड़ेगी। और 6 घंटे में हमारे मजिस्ट्रेट गण कोरोना वायरस को लेके जो प्रिपेयर्डनेस जनपद वाराणसी में की गई है उसकी मीटिंग करके सारे अधिकारियों को यहाँ पे ब्रीफ किया गया है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट सहित सारे प्रकार के विभाग थे, जिसमें नगर निगम भी हैं, पंचायती राज भी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, टूरिज्म के लोग, इसके अलावा प्राइवेट जितनी भी एंटिटीज़ हैं हमारे, होटल के लोग थे इसमें, रेस्टोरों वाले लोग थे, जितने मार्केट एसोसिएशन हैं, ड्रग एसोसिएशन है, IMA है, इन सब लोगों को बुलाया गया था। सब लोगों का एक्टिव कोलेबोरेशन इसमें किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ बताई गई है कि अपने अपने एरिया को डिसइनफेक्ट करवा लें, जहाँ जहाँ प्रमाइसिस में जो खुद के काम कर रहे हैं वो करवा लें, किसी भी प्रमाइस में उसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको फिर बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अवेयरनेस के ऊपर मेजर बल दिया गया है कि सही जानकारी लोगों तक फैले, जो गलत जानकारी है वो ना फैले, जितने भी हमारे प्रचार सामग्री की चीज़ें हैं, चाहे होर्डिंग हो, बिल हो, चाहे उनको अखबारों में निकलवा के पैम्फलेट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कराना हो, वो सारी एक्टिविटी आज से शुरू हो जाए। जितने भी ससेप्टिबल केस हैं वो हर कोई आइडेंटिफाई करें, चाहे मॉल में, चाहे हमारे सिनेप्लेक्स में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सब लोग थर्मल स्कैनर खरीद लें और थर्मल स्कैनर के माध्यम से जो भी ससेप्टिबल हो उसको अलग करके हमारे सरकारी हॉस्पिटल की OPD में जरूर दिखवाएं। सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में सेपरेट OPD जितने भी हमारे सर्दी जुकाम बुखार वाले पेशेंट्स हैं इनके लिए कर दी जाए, इनके लिए सेपरेट वार्ड कर दिया जाए, और जितने भी क्वारंटाइन वार्ड बनाए गए हैं, जितने भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, उनमें मजिस्ट्रेट पुलिस की ड्यूटी भी लगाई जाए ताकि लोग वहाँ पर रुकेंगे तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। एयरपोर्ट पे जो है वो चेकिंग इंटेंसिफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह ट्रेन स्टेशन के ऊपर भी रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सारे विदेशी नागरिकों की स्कैनिंग करें, कोई भी उसमें ससेप्टिबल केस लगे तो हमारे क्वारंटाइन वार्ड में उसको लेके आएँ, और बाकायदा एक फॉर्मेट डेवलप किया गया है पूरे ज़िले का, उस पर डेली रिपोर्टिंग हो इन सभी माध्यमों से कि कितने लोग ससेप्टिबल पाए गए, कितनों का इलाज किया गया। आइसोलेशन वार्ड जो BHU में बनाया गया है वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़वाने का कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिया गया था VC में कि
कि वहाँ जितनी भी टेस्टिंग हो रही हैं उनकी मशीनें बढ़वा दी जाएं ताकि सारी टेस्टिंग यहीं पे संभव हो पाए। तो कुल मिला के अच्छे कार्य जितने भी विभागों करने हैं उनको बुलाया गया था, और इसी के साथ साथ ही हम लोग एक सफाई का वृहद अभियान शहर में और गाँव में भी चालू कर रहे हैं। आने वाले समय में जो जेई इंसेफेलाइटिस की समस्या संभावित है और जो संचारी रोग का कार्य है और हमारे जो मच्छर जो अब फैल रहे हैं उसके माध्यम से बीमारियां होनी हैं उनसे भी निजात पाने के लिए लगे हाथ सफाई का अभियान वृहद रूप से शुरू करवाया जा रहा है। एंटी लार्वा स्प्रे, फॉगिंग का और जितने भी प्रकार की दवाइयों का स्प्रे होता है वो कार्य भी चालू कराया जा रहा है। आने वाले 10 दिन में हम लोगों का भरसक प्रयास होगा कि पूरे शहर को सभी गाँव को हम लोग साफ कर सकें और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन स्प्रेड होने से हम लोग शहर में रोक सकें। सर, माल और होटलों पर किस तरह से निगरानी की जाए? माल और होटल्स जितने भी हैं उनको आज बुला के बहुत डिटेल में ब्रीफिंग दी गई है। इनकी एडवाइजरी भी जो है इनके ग्रुप से भेज दी गई है। इनके ऊपर जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं हमारे, उनकी और मजिस्ट्रेट्स की टीम है, उनको गठन किया जा रहा है और निश्चित संख्या में उनको हम लोग जो मॉल, होटल और रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनकी जिम्मेदारी लिखित में दे रहे हैं। हर अल्टरनेटिव डे जाके वो चेक करेंगे जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन वहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो भी उसका पालन नहीं करेगा उस पर्टिकुलर मॉल, होटल या रेस्टोरेंट को बंद कराने का काम भी भविष्य में किया जाएगा। वाराणसी में कुछ चीज़ों पे रोक लगाई गई है, उनमें स्विमिंग पूल शामिल है। 31 मार्च तक सभी स्विमिंग पूल हैं उनमें कोई भी व्यक्ति उसका यूज़ नहीं करेगा। पानी भर के कोई होटल रखते हैं उस पर प्रतिबंध नहीं है, परंतु स्विमिंग पूल का उपयोग ना करें, चाहे वे निजी स्विमिंग पूल हों, चाहे क्लब्स के हों, चाहे सरकारी हों। इसके अलावा मास गैदरिंग के इवेंट जो ऑर्गेनाइज होते हैं, चाहे वो स्टेडियम्स में हों या अलग अलग प्रकार के आयोजन हों, उन पर बैन लगाया गया है। जो शोभा यात्रा है या जिस प्रकार के धार्मिक आयोजन हैं उनको सूक्ष्म रूप से, पारंपरिक रूप से छोटे में निर्वहन किया जा सके, इस तरह की गाइडलाइन दी गई है। और इसके अलावा कोई भी विशेष कार्यक्रम किया जाए तो उसकी जानकारी करके, विशेष अनुमति करके, वहाँ पे सारे मेजर्स यूज़ करके कराया जाए तो उसके लिए 1-to-1 केस पे परमिशन देने के बाद ही कार्य हो। होटल्स आदि को भी बता दिया गया है, मैरिज लोन आदि को भी सबको मैसेज किया गया है कि मास गैदरिंग के कोई भी कार्यक्रम हो उसकी पूर्व जानकारी दें और पूर्व जानकारी देने के बाद सारी चीज़ों का परीक्षण होने के बाद ही उसकी परमिशन जारी हो। अन्यथा किसी भी प्रकार से जो बड़ी गैदरिंग्स हैं, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, जो होली मिलन समारोह हैं, इस प्रकार की कोई भी जो गैदरिंग होगी उनके ऊपर बैन लगाया गया है। बंद करने का आदेश कोई नहीं दिया गया है। हम लोगों ने आने वाले 3-4 दिन तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखने का निर्णय लिया है कि जो डिसइन्फेक्शन उनको करना होता है, अपनी मशीन्स हैं, उनके यहाँ पे जो इक्विपमेंट हैं, उनके जो हैंडल हैं, टॉयलेट हैं, जो लिफ्ट वगैरह हैं, उन सबको अगर वो पूरी तरह डिसइन्फेक्ट कर लेते हैं 6-6 घंटे का और 3-3 घंटे का जो हमने SOP जारी किया है, जो हम लोगों के सॉल्यूशंस के माध्यम से क्लीनिंग करने का होता है, अगर वो फॉलो कर लेते हैं और वहाँ पे जिम यूज़र्स को ज़्यादा समस्या नहीं आती है तो हम इनको कंटिन्यू करने देंगे। 3-4 दिन के बाद जैसे हम लोग टीम गठित कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग के बाद ये पाया जाएगा कि कोई उसका पालन नहीं कर रहा है तो फिर उनको बंद कराने का काम किया जाएगा। सर, भ्रामक सूचनाएँ जो प्रचारित करेगा उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? जो अभी एक्ट में जो हमारे रेगुलेशंस प्रख्यापित किए गए हैं उनके माध्यम से भी और रूटीन में भी, हमारा जो धारा 144 का आदेश जारी है उसमें भी लिखा गया है कि कोई भी बिना वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, पैनिक स्प्रेड करता है, लोगों में भय व्याप्त करता है, उस प्रकार के लोगों पर हम लोग धारा 188 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। तो हम लोग उसके अंतर्गत ही कार्रवाई करेंगे। IPC और CRPC की जो भी धाराएँ होंगी उनमें कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों, हम पब्लिक को भी अपील करते हैं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और जो डर या इस तरह के भ्रामक मैसेज फैलाकर पब्लिक पैनिक फैलाता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। सर, लगन का समय चल रहा है तो कुछ शादी विवाह भी है और बनारस में 2 बड़ी मंडियां भी हैं, सब्जी मंडियां, फल मंडियां, तो उनको लेकर क्या किया था आपने तरफ से? जो शादी विवाह हैं, जो मांगलिक कार्यक्रम हैं या जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उनके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया गया है। उनके ऊपर सिर्फ ये एडवाइजरी हमने जारी की है कि भीड़ भाड़ जितनी कम हो उतनी संभव उतनी कम कर सकें। किसी प्रकार से अगर भीड़ भाड़ हो भी रही है तो उसकी अनुमति ले लें ताकि हम लोग उस जगह पर विशेष प्रिकॉशन रख सकें साफ़ सफाई का। अगर वो कोई होटल या मैरिज लॉन वगैरह हैं तो उनकी जिम्मेदारी तय कर सके कि वो उन दिनों में साफ़ सफाई ज़्यादा रखें। वो कोई उन्हीं के खुद के निजी प्लेसेस हैं तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग करवा सकें, उनकी काउंसलिंग करवा सकें ऑर्गेनाइजर्स की और उसके बाद वो कार्यक्रम करवा सकें। इसमें केवल यही एडवाइजरी है कि कम से कम भीड़ लाने का प्रयास करें ताकि कार्यक्रम भी हो जाए और ज़्यादा लोग भी उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए।